सुहेदी पुगु इंडियन आप सभी का स्वागत है पुगु इन सॉर्ड एंड शील्ड जीबी आई लव फार्मा के इस नए एपिसोड में। और भाई लोग पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग को देखो दो नए पोकेन मिले थे। एक तो भाई हम लोग को कांटो का स्टार्टर पोकेन स्क्वाडल मिला था और एक भाई हम लोग को गलार का लेजेंडरी पोकेन कुफो मिला था। और एक धमाकेदार बात बताओ भाई आप लोग को, आज ना मैं लेजेंडरी पोकेन कुफो को इवॉल्व करने वाला हूँ। और कुफो इवॉल्व होकर बनता है उर्सी फू, आप लोग को पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता भाई तो गूगल कर लेना, आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। और हाँ, आप लोग उसको कैसे इवॉल्व कर पाओगे, आपको कैसे इवॉल्व करना है, सब कुछ मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। और भाई मैं अपने कुफो को इवॉल्व करके भी आप लोग को दिखाऊंगा, तो टेंशन ना लो भाई, एकदम अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और भाई लोग पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग को दो नए राइवल्स मिले थे और हम लोग ने उनके साथ बैटल किया था। और भी बहुत कुछ हम लोग ने भाई पिछले एपिसोड के अंदर किया था, सो अगर आपने देखा नहीं तो जाके देख लेना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना, ओके। और भाई लोग आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग गेम को आगे कंटिन्यू करने वाले, बट उससे पहले भाई आप मेरी टीम देख लो। मेरी टीम में भाई मैंने लेजेंडरी पोकेमोन कुफो को ऐड कर लिया और मैंने भाई जमेजेंटा को हटा दिया अपनी टीम से, उसको मैंने पीसी के अंदर रख दिया है, क्योंकि भाई अब एक पोकेमोन को तो हटाना ही था। और आप में से काफ़ी सारे लोग ने मेरे को बोला था कि कुफो को रख के जमेजेंटा को हटा दो, इसके लिए भाई मैंने जमेजेंटा को हटा दिया, कुफो को रख लिया। और भाई लोग बातचीत बहुत होगी, चलो अभी अपना आगे का गेम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज क्या होने वाला है भाई हमारे साथ। वैसे भाई धमाकेदार बात तो ये कि आज मैं अपने कुफो को इवॉल्व करने वाला हूँ। सो भाई लोग वीडियो को एंड तक देखते रहो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुफो भाई मतलब क्या ही मज़ा आएगा भाई, आज देखो कितना मज़ा आने वाला है। कुफो को हम लोग इवॉल्व करेंगे और यहाँ पर भाई हम लोग को आके मस्टर्ड से बात करना था, जो कि अपने इस डोजो के मास्टर है मस्टर्ड। और उसके बाद आप लोग को चलना है बाहर, मैं भी चलता हूँ बाहर। और भाई लोग क्या करना है हम लोग को आगे, मैं एकदम अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम लोग को आना है अपने कॉर्विक नाइट टैक्सी के पास। और उसके बाद हम लोग को भाई सबसे नीचे वाला चूज़ करना है, जो कि हम लोग को मतलब आई लव फार्मा के एकदम स्टार्टिंग वाली जगह पे लेके जाएगा। ये देखो भाई ये वाला एकदम स्टार्टिंग वाला जगह, यहीं से भाई हम लोग ने अपना आई लव फार्मा स्टार्ट किया था। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये लड़की से बात करना भाई, ओके, पोर्टुगीज में कुछ बोल रही है, बट हमारे समझ में तो कुछ भी नहीं आने वाला, आप लोग को पता ही है। और यहाँ पे कुछ भाई ऊपर नीचे होगा तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान ना दो तो ही अच्छा होगा। मेरे को भी नहीं पता भाई क्या हो रहा है, क्योंकि पोर्टुगीज में तो मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा भाई, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। और इसके लिए भाई आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और भाई जैसे आप उस लड़की से बात कर लोगे, आपको ये इस वाले पे चलना है भाई, ये देखो ये जो अपना कॉर्विक नाइट है इससे बात करना है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे आप लोग, और यहाँ पे आने के बाद भाई एक रिपेल यूज़ कर लो, वरना फिर वाइल्ड पोकेमॉन तो आप लोग को पता ही कितने सारे आएंगे भाई, कदम कदम पे आते रहते और परेशान करते रहते। कहाँ गया भैया रिपेल, मेरा नीचे होगा, सबसे नीचे होगा, मेरे को पता है सबसे नीचे होगा भाई रिपेल। बहुत टाइम लग रहा है ढूंढने में, आ रहा हूँ, ओके मैं पहुँच गया। मैक्स रिपेल मेरे पास 15 है, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा है। मैक्स रिपेल की तो भाई जो होती है ना मतलब स्टेप्स भी ज़्यादा होते, तो मैक्स रिपेल जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और भाई हम लोग थोड़ा फास्ट में खेलते, ओके, हम लोग को यहाँ पर चलना नीचे। और ये देखो यहाँ पर ये लड़की, इससे भी बात करना भाई, ओके, यहाँ पे भी भाई ऊपर नीचे कुछ होगा हम लोग को भाई, भाई मेरे को लिटरली कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, बस भाई गेम को आगे कंटिन्यू करना है तो ये सब करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद भाई एक और बार वो जो लड़की है ना हम लोग को यहाँ पे मिलेगी, मैं आपको लेके चलता हूँ लोकेशन पे, टेंशन ना लो, ओके ओके भाई। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है तो पेड़ों के बीच में फंस गया था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे इनविजिबल दीवार है, ओके कोई बात नहीं। रिपेल ख़त्म तो एक और यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे रिपेल्स अपने पास, वैसे 15-14 ये तो ठीक है भाई, बट अगर ख़त्म हुई तो क्या फ़र्क क्या पड़ता है भाई, हम लोग जाके दूसरा खरीद लेंगे। और यहाँ पे देखो इस बार ये लड़की यहाँ पे, तो इससे बात करना भाई, समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा भाई, इतना तो पक्का है। और यहाँ पे देखो अपना कुफू भाई निकल चुका है अपने पोकेबॉल के बाहर, जो कि एकदम सही वाली बात है। और यहाँ पे भी भाई ऊपर नीचे आएँ बाएँ दाएँ सब कुछ हो रहा है, तो इसको होने दो। और जैसे ही हो जाएगा अपना कुफू अपने पोकेबॉल के अंदर वापस चले जाएगा। और उसके बाद भाई हम लोग को ऊपर चलना है जहाँ पे कॉर्विक नाइट हम लोग को मिलेगा, ये देखो भाई कॉर्विक नाइट ये रहा। और इससे बात करके आप लोग को चलना है यहाँ पे, और यहाँ पे डोजो के अंदर चलना है भाई, और अपना जो मास्टर है मस्टर्ड उससे बात करना है। और भाई ये भी पोर्टुगीज में बोलेगा तो इसकी भी भाषा हम लोग को समझ में नहीं आने वाली, तो भाई फटाफट स्किप करते रहो, स्किप करते रहो, ओके 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 भाई, ओके ओके। यहाँ पे जो अपना काम तो हो चुका है ख़त्म, और भाई लोग अब भी एकदम मज़ा आने वाले, ठीक है, अभी देखो मैं आपको एकदम बताता हूँ अच्छे से। अभी भाई इसके आगे एपिसोड को एकदम अच्छे से देखना, क्योंकि अभी जो मज़ा है ना भाई मतलब असली मज़ा अभी शुरू होने वाला है, ओके। सो भाई लोग अभी इस टाइम पे ना कि कुफू को कैसे इवॉल्व करना है वो एकदम अच्छे से समझ लो। देखो जो अपना लेजेंडरी पोकेमॉन कुफू है वो इवॉल्व होकर बनता है उर्सी फू, और उर्सी फू के भाई दो फॉर्म है, आप लोगों ने देखा होगा भाई बहुत सारे पोकेमॉन है जो सिंगल मतलब पहले छोटे रहते, बट उनका जो एवोल्यूशन है उन लोगों के पास बहुत सारे एवोल्यूशन मतलब अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अपना ईवी भाई बनता है जॉल्टियन, पोरियन, फ्लैरियन, सिल्वियन, और भी बहुत सारे बनता है भाई अम्ब्रियन, ऐसे ईवी के बहुत सारे एवोल्यूशन है। तो वैसे जो अपना भाई लेजेंडरी पोकेमॉन कुफू है ना वो मतलब उसके भी दो एवोल्यूशन से,
तो आपको किस में इवॉल्व करना है वो आपकी मर्जी। बट आप लोग से मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पूछा था कि मैं किस में इवॉल्व करूँ, तो आप लोग ने भाई मेरे को कम्युनिटी पोस्ट में भाई एकदम कमेंट कर, मतलब कम्युनिटी पोस्ट में जो मैंने वोटिंग ली थी, पोल रखा था, उस पोल में मेरे को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं फाइटिंग प्लस वाटर, मतलब कि फाइटिंग प्लस वाटर जो है उसमें इवॉल्व करूँ। और जो दूसरा है भाई वो है डार्क प्लस फाइटिंग, जो कि अपना उर्सीफू का सेकेंड वाला फॉर्म है। देखो उर्सीफू की दो फॉर्म है, एक फॉर्म में उसकी जो टाइपिंग रहती है वो रहती है भाई वाटर प्लस फाइटिंग, और दूसरा वाला जो फॉर्म है भाई उसमें उसकी टाइपिंग रहती है डार्क प्लस फाइटिंग। सो आप लोग ने मेरे को बोला कि मैं वाटर प्लस फाइटिंग वाले में इवॉल्व करूँ, तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको कौन सा वाले, मतलब कौन से वाले में कैसे इवॉल्व करना है। देखो अगर आप लोग भाई, देखो यहाँ पे जो टावर है, इस टावर का नाम है टावर ऑफ डार्कनेस। अगर आप लोग भाई अपने कुफू को उर्सीफू में इवॉल्व करना चाहते हो, उसकी टाइपिंग क्या डार्क प्लस फाइटिंग, अगर उस वाले टाइपिंग में आप लोग इवॉल्व करने चाहते हो अपने कुफू को, तो आपको भाई इस टावर के अंदर जाना पड़ेगा, और इस टावर में भाई 4 या 5 6 ट्रेनर होंगे, सबको हराना पड़ेगा, और लास्ट में आपको जो अपना भाई डोजो मास्टर मस्टर्ड है वो मिलेगा, उसको हराना पड़ेगा। और अगर आप लोग भाई अपने कुफू को वाटर प्लस फाइटिंग वाले उर्सीफू में इवॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको टावर ऑफ वाटर के अंदर चलना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे, ओके ये देखो यहाँ पे है भाई, ये देखो ये है टावर ऑफ वाटर। सो अभी आप मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा भाई। देखो अगर आप लोग भाई अपने कुफू को डार्क प्लस फाइटिंग वाले उर्सीफू में इवॉल्व करना चाहते हो, तो आपको टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर बैटल करना है, जो कि टावर ऑफ डार्कनेस भाई ये वाइल्ड पोकेमॉन भाई कचरा कर देते दिमाग का। एक मिनट में रिपेल यूज़ कर लेता भाई। ओके तो अगर आप लोग अपने कुफू को डार्क प्लस फाइटिंग वाले उसी फॉर्म में इवॉल्व करना चाहते हो, तो ये देखो ये टावर ऑफ डार्कनेस है, इसके अंदर जाके बैटल करना, आपको आइटम मिल जाएगा। और अगर भाई आप लोग भाई उसको वाटर प्लस फाइटिंग में इवॉल्व करना चाहते हो, तो भाई ये वाला, ये जो टावर ऑफ वाटर है इसके अंदर चलना है। तो आप लोग ने मेरे को बोला है कि मैं वाटर प्लस फाइटिंग वाले में इवॉल्व करूँ, तो अभी चलते भाई इस टावर के अंदर। और हाँ भाई लोग, अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो आप टावर के अंदर चलो, और उसके बाद यहाँ पे बैटल्स होंगे। बैटल्स आप लोग दोनों टावर में देखो, जो बैटल्स हैं ना वो सेम होंगे, बट जो ट्रेनर्स हैं उनके पास पोकेमॉन्स अलग अलग होंगे। ये देखो टावर ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं उनके पास वाटर टाइप पोकेमॉन होंगे, और टावर ऑफ डार्कनेस में भाई जो वहाँ पे जो पोकेमॉन होंगे ट्रेनर्स के पास, वो ज़्यादातर डार्क टाइप के होंगे। तो आप लोग भाई उस हिसाब से अपने एडवांटेज रख लेना अपने पास। यहाँ पे भाई मेरे पास एडवांटेज है काफ़ी सारे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, दोनों जो टावर है ना भाई, टावर ऑफ डार्कनेस और टावर ऑफ वाटर, दोनों में आपको बैटल्स करने पड़ेंगे। उसके बाद भाई फाइनल बैटल आपका होगा डोजो मास्टर मस्टर्ड से, और उसके बाद भाई वो आपको आइटम देगा, और उसके बाद आप अपने कुफू को इवॉल्व कर पाओगे उर्सीफू में। तो यहाँ पे भाई फटाफट हम लोग बैटल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एकदम दिखाई देता भाई कि क्या करना है। ओके तो बैटल के ऊपर ध्यान देते भाई, किंगड्रा आ रही है, किंगड्रा एक ड्रैगन टाइप और वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो उसको भी हम लोग भाई आराम से फेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई वैसे यहाँ पे कितने ट्रेनर होंगे, 4 या 5 ट्रेनर है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को पता है 4 से 5 ट्रेनर है, तो अभी सबको हराना पड़ेगा भाई। और अपना एटर्ना मैक्स एटर्नेटस अपना कमाल दिखा रहा है, सबको हरा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। ओके डायनामिक्स कैनन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके 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 भाई ये भी गया, ये भी गया। और हाँ भाई लोग, अगर आपको कुफूर और उर्सीफू की जो मतलब उनके ऊपर और भी नॉलेज चाहिए, तो आप लोग भाई जाके गूगल कर सकते हो, आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा उनके बारे में। और आप लोग भाई जाके चेक करना कि उर्सीफू का जो फॉर्म है कौन सा वाला बेस्ट है आप लोग के लिए। आप लोग को जो पसंद होगा भाई जाके थोड़ा उसका इमेजेस देख लेना, उसके बारे में जान लेना, उसके बाद ही इवॉल्व करने का डिसीजन लेना। ओके तो अब आप लोग की भाई, आप लोग की मर्जी, आपको जो मतलब जो भी पसंद है ना उर्सीफू का, मतलब दोनों में से कौन सा वाला उर्सीफू आपको पसंद है, आप लोग उसमें इवॉल्व करना। और मैंने आप लोग से पूछा था भाई कम्युनिटी के अंदर, तो आप लोग ने मेरे को वाटर प्लस फाइटिंग वाले में बोला, तो इसके लिए मैं टावर ऑफ वाटर के अंदर आया हूँ। तो आज भाई इवॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे भाई एक काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक पोकेमॉन यूज़ करता हूँ। ओके टॉक्सिसिटी को यूज़ करते भाई, देखो यहाँ पे मेरे पास एडवांटेज अच्छे खासे, एक तो मैं टॉक्सिसिटी को यूज़ कर सकता हूँ, और ऊपर से मेरे पास रिलाबोम भी है, जो कि भाई एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, वाटर के अगेंस्ट सुपर डुपर इफेक्टिव है, तो एडवांटेज है भाई आज मेरे पास अच्छा खासा एडवांटेज है भाई। और अपना एटर्नामैक्स एटेंडेंस भाई, उसको तो कोई हरा नहीं सकता, और भाई आज तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे बैटल करने में, हम लोग सबको हराएंगे भाई एकदम आराम से, एक एक दो दो अटैक में। और ये भी फेंड भाई देख रहे हो क्या कमाल बैटल हो रहा है भाई, क्या ही कमाल धमाल बैटल हो रहा है। और भाई फटाफट सब लोग फेंट हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा भाई। ओके सब एक एक अटैक में फेंट हो रहे भाई लिटरली। हाँ एक और एडवांटेज मेरे पास क्या है पता है, मेरे पोकेमॉन का जो लेवल है ना वो ज़्यादा येलो के पोकेमॉन से लेवल से, तो यहाँ इसका फ़ायदा मेरे को हो रहा है। और ओके ये फ्लोट जेल भी गया भाई, ये नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है, ओके क्या नाम है भाई इसका, ओके ये भाई बतख, बतख पोकेमॉन क्रैमोरेंट, क्रैमोरेंट ओके क्रैमोरेंट इसका नाम था, गया भाई एक अटैक में।
सब भाई एक अटैक के अंदर फेंट हो जा रहे भाई, लिटरली वन हिट किल मतलब वन हिट किल सब लोग हो रहे। ओके भाई वन हिट किल, सब लोग खत्म भाई, बड़े जल्दी हार रहे भाई सब लोग, क्या बात है भाई क्या बात है। ओके एक काम करता हूँ, मैं अपने जो भाई टॉक्सिक सिटी उसको पहले नंबर पर रख लेता हूँ और उसको यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल, और बाद में इसके बाद ना हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिला बूम को आगे की बैटल्स में। ओके गोलियोसो पोर्ड भाई, इसको भी हम लोग फेंट करेंगे, इसको मैं जिगेंटामैक्स कर लेता हूँ, जिगेंटामैक्स टॉक्सिसिटी। ओके भाई फेंट कर भाई एक अटैक में, इसको भी फेंट कर, हो जा हो गया भाई, एडवांटेज का अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है मेरे को, लेवल भी ज़्यादा है एडवांटेज भी है। तो भाई सामने वाला पोकेमॉन कैसे टिक सकता भाई, तू कैसे टिकेगा यार, सार्पीडो गया ना भाई एक अटैक में। नेक्स्ट कौन है भाई, जल्दी आओ वे लॉर्ड, इसको मेरे ख्याल से फेंट करना थोड़ा मुश्किल है, वे लॉर्ड भाई काफ़ी तगड़ा पोकेमॉन था, बट भाई एक अटैक के अंदर फेंट, ओ माय गॉड क्या बात है भाई, क्या ही बात है। और 79 लेवल, ओके बहुत बढ़िया। ओके ये टोगापैक्स, ओके ये एक अटैक में फेंट होगी, ओ भाई सब हो रहे, तो ये कौन से खेत की मूली है, सबके सब भाई एक अटैक में फेंट हो रहे, बहुत बढ़िया भाई। ये भाई ऑसोवर्ट का विकसित रूप फाइनल वाला समोरॉट, इसको भी भाई हम लोग ने एक अटैक में फेंट कर दिया भाई साहब। आज भाई मतलब हमको कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई हमारे सामने टिक ही नहीं पा रहा है। वेपोरियन भाई आइस प्लस वाटर गया भाई, ये आइस प्लस वाटर है कि सिर्फ वाटर है, मेरे ख्याल से ये आइस प्लस वाटर है क्योंकि वो आइस टाइप अटैक भी यूज़ करता है, बट उसकी टाइपिंग मेरे को पता नहीं भाई, मेरे ख्याल से वाटर तो है, इतना तो फिक्स है, आइस है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट वाटर तो है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ वेपोरियन भाई प्योर वाटर टाइप है कि आइस प्लस वाटर है। और यहाँ पे भाई हम लोग इस बार रिलाबूम को यूज़ करेंगे जो कि प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को पता भाई प्योर ग्रास टाइप ही है, नहीं आप लोग मैं दिखा भी देता हूँ टेंशन ना लूँ। ओके भाई ये प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और अभी हम लोग रिलाबूम को जिगेंटा मैक्स करते हो, मैक्स ओवरग्रो करते भाई, मैक्स ओवरग्रो की पावर क्या ही कमाल है। और गैरडोस भाई फ्लाइंग टाइप भी है, तो एक अटैक में फेंट नहीं हुआ भाई, देख रहे हो एक अटैक में फेंट नहीं हुआ क्योंकि ये ड्यूअल टाइप पोकेमॉन है, वाटर प्लस फ्लाइंग है भाई इसके लिए। और यहाँ पे देखती है कौन आएगा, लैप्रस भी तगड़ी पोकेमॉन है भाई, इसकी टाइपिंग है वाटर प्लस आइस, बट भाई जब हमारे पास एडवांटेज है लेवल भी ज़्यादा है तो सामने वाला पोकेमॉन कैसे टिक सकता है यार। ओके अब कौन भाई, ये कौन है भाई, एक्रोटोविस मेरे को पता नहीं, आर्कटोविस ऐसा कुछ तो नाम है भाई, आर्कटोविस जो भी नाम हो भाई, नाम से हमें क्या करना है, फेंट करने से मतलब है, अपोनेंट की पोकेमॉन है भाई, इसको तो हम लोग एक अटैक में फेंट करेंगे। एक्वाजेट भाई इसकी स्पीड याद है, ओहो भाई एक अटैक में फेंट नहीं हुआ, ओके दूसरे अटैक में फेंट हुआ, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक टाइप अटैक करता तो भाई एक ही अटैक में चले जाता। ये कौन है भाई, कैराकोस्टा भाई जो भी हो एकदम सही दिख रहा है, कछुए के जैसा समझ लो ना कछुआ। ओके भाई टटल भाई जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं चलने में। ओके ओ भाई ड्रैकोविस एक अटैक में फेंट नहीं हुआ, ओ चलो कोई बात नहीं दूसरा अटैक में हो गया। इसके भी सभी पोकेमॉन्स को मैंने फेंट कर दिया, बहुत बढ़िया भाई। और अभी देखने दो एक और बंदा है क्या, ओके फाइनली भाई जो अपने डोजो का जो अपना मास्टर है भाई मस्टर्ड, वो अभी यहाँ पे अकेला बचा हुआ है। तो भाई अभी एक काम करता हूँ, मैं अपने पोकेमॉन्स को हील करा के आता हूँ और उसके बाद भाई हम लोग बैटल करेंगे डोजो मास्टर मस्टर्ड से। ओके सो भाई लोग यहाँ पे मैंने पोकेमॉन्स को हील करा लिया और अभी फाइनली भाई हम लोग मस्टर्ड से बैटल करते, चलो बैटल कर ही लेते भाई आज इनसे भी। ओके भाई बैटल हो जा शुरू, भाई कितना पकाते हो यार, बैटल करो फटाफट, वैसे बातचीत भी जरूरी थी बट जब हमको समझ में नहीं आ रहा तो भाई अब हमारे लिए क्या ही जरूरी है बातचीत। वैसे इस बार मैं सोच रहा हूँ जिगेंटा मैक्स ना करूँ अपने बूम बूम को, ओके भाई बूम बूम तेरे को इस बार मैं जिगेंटा मैक्स नहीं करूँगा, वैसे मेरे को लगता नहीं कि जिगेंटा मैक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऐसा कुछ लग रहा नहीं मेरे को भाई। कुफू आ चुका भाई बैटल के अंदर, बहुत बढ़िया भाई, तेरे लिए तो मैं करूँगा ड्रम बीटिंग भाई, ढोलक बजा बजा के तेरे को फेंट भाई, एक अटैक में होने वाला था बट हुआ नहीं भाई, काउंटर नहीं यार, काउंटर ही खतरनाक चीज़ है भाई। आप लोग ने मेरे को बोला है कि मैं मतलब अपने सभी पोकेमॉन्स को यूज़ करूँ, आप लोग ने काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करके बोलती, तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमॉन्स को यूज़ करने की कोशिश करूँगा अपने मतलब जो भी अभी मेरे टीम में उनको। और कोमो आ रहा है तो एक मिनट, इसके पास कोई फेरी टाइप अटैक होगा ना, ओके प्लेयर ऑफ फेरी टाइप ही तो हम लोग करते, कोमो ड्रैगन टाइप ही, ड्रैगन ऑफ फाइटिंग, बट क्या हुआ भाई ड्रैगन टाइप तो है ना, इसके लिए एक अटैक में फेंड हो गया। और कॉर्विक नाइट, ओ भाई मेरे को स्विच करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, क्लोज कॉम्बैट लगेगा क्या, मेरे ख्याल से लग तो गया, डैमेज बहुत कम दिया, चलो कोई बात नहीं इस बार मैं क्रंच करूँगा, फेंड हो जा भाई एक अटैक में, नहीं हुआ भाई दूसरा अटैक था भाई, मेरे को लगता है ना इस बार भी नहीं होगा। ओ भाई एक एचपी पे बच गया, ओ भाई जीसीएन को इसने फेंड कर दिया, ओ भाई भाई मैं कुफू को भेज के देखता भाई कुफू क्या करेगा, तू कर भाई डायनेमिक पंच कर,
ड्रिल पिक मेरे को काउंटर करना चाहिए था, पता है क्या, एकदम मज़ा आ जाता, बट कोई बात नहीं, हम लोग ने इसको फेंड किया। मैं पोकेमॉन स्विच करता हूँ भाई, उन्हें कुफू भाई एक अटैक में फेंड हो जाएगा। ओके इस बार बार ये भाई एटर्नेटिस की, और अब बहुत हो गया भाई मस्ती। चलो एटर्नेटिस अब इसके बाकी सभी पोकेमॉन्स को हरा देगा भाई एक ही अटैक में, तो अब मज़ा आएगा भाई एकदम अच्छा वाला। ओके लाइकनरॉक भाई डस्क फॉर्म तक, डस्क फॉर्म का लाइकनरॉक था, एक ही अटैक में फेंड हो गया भाई। और लक्सरी इसका आखिरी पोकेमॉन है। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये देखो भाई डायनामिक्स कैनन से ये फेंड नहीं हुआ, बट इस बार हो जाएगा। ओके इस बार हो चुका भाई, इसके पोकेमॉन के लेवल 70 थे, बट कोई बात नहीं भाई मेरे पोकेमॉन के लेवल इससे ज़्यादा है, तो मेरे को टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके ओके क्यू भाई जो बोलना है बोलो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे भाई। ओके तो भाई लोग यहाँ पे देखो जो मतलब जो आइटम हम लोग को चाहिए था कुफू को इवॉल्व करने के लिए, वो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, पार्चमेंट डब्लू। पार्चमेंट डब्लू मतलब आप लोगों को पता है डब्लू मतलब होगा वाटर प्लस फाइटिंग है ना, इसके लिए वाटर पार्चमेंट डब्लू, इसके मेरे को लग रहा है भाई डब्लू है पार्चमेंट। देखो यहाँ पे अपने बैग के अंदर आ चुका आइटम, एक मिनट पहले इस जगह से चलते भाई डोजो के पास अपने, वहाँ पे भाई इसको इवॉल्व करेंगे। ओके भाई लोग तो हम लोग अपने डोजो के पास आ चुके हैं, और अभी देखो मेरे बैग के अंदर आइटम आ चुका है पार्चमेंट, जो भी इसका नाम है भाई, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मेरे को माफ़ कर देना, बट मेरे हिसाब से मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ भाई, इसका नाम है पार्चमेंट डब्लू। अब डब्लू का मतलब हो सकता है भाई वाटर प्लस फाइटिंग, उसकी टाइपिंग है भाई अपनी उर्सीफू की, जो अपना उर्सीफू वो भाई दो फॉर्म में इवॉल्व होता है, उसमें से जो उसका एक फॉर्म है उसकी टाइपिंग है वाटर प्लस फाइटिंग, तो मेरे ख्याल से भाई उसमें इवॉल्व होगा इसको यूज़ करने के बाद, तो इसके लिए भाई इसमें पार्चमेंट डब्लू आ रहा है। और अगर भाई हम लोग को मतलब उसको डार्क प्लस फाइटिंग में इवॉल्व करना होता तो आई थिंक सो कि पार्चमेंट डी लिख के आता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और हाँ भाई एक और है, जो अपना उर्सीफू है ना उसका मतलब एक नाम है, जो अपना मतलब मेरे को देखो नाम में मैं कन्फ्यूज हूँ कि कौन से नाम में कौन से टाइपिंग है, उसका जो नाम है ना भाई वो है सिंगल स्ट्राइक और एक है रैपिड स्ट्राइक। अब मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हूँ कि सिंगल स्ट्राइक में कौन सा टाइपिंग आता है उर्सीफू का, और जो अपना रैपिड स्ट्राइक है उसमें कौन सा टाइपिंग आता है उर्सीफू का, तो इसके लिए भाई मैंने आप लोग को ये मतलब रैपिड स्ट्राइक और सिंगल स्ट्राइक नहीं बताया, क्योंकि मैं टाइपिंग में कन्फ्यूज़ हूँ। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या है, वैसे तो मेरे को भाई मैं पता लगा लूँगा, बट आप लोग कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। सो भाई लोग अभी फाइनली हम लोग अपने कुफू को इवॉल्व करते हैं उर्सीफू में, और उसकी टाइपिंग होगी भाई पता ना आपको वाटर प्लस फाइटिंग, जो कि काफ़ी तगड़ा है। और आप लोग ने भाई मेरे को कमेंडी के अंदर भाई मतलब सभी लोग ने उसको ही वोट किया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने उसको वोट किया था। तो यहाँ पे देखो भाई हम लोग अपने कुफू को इवॉल्व कर रहे हैं, और हम लोग ने भाई पार्चमेंट डब्लू इसके ऊपर यूज़ कर दिया, और अभी देखो भाई अपना कुफू हो रहा है इवॉल्व, और अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। और अभी देखो भाई एक मिनट में मज़ा ख़त्म हो जाएगा, टेंशन ना लो। ओके भाई इवॉल्व हो रहा है भाई, इवॉल्व हो रहा है। ओके 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 ओ माय गॉड इवॉल्व हो रहा भाई, देख लो सभी लोग देख लो भाई आँख फाड़ के। ओके भाई यहाँ पे अपना कुफू बन चुका है उर्सीफू, और इसकी टाइपिंग है वाटर प्लस फाइटिंग। ओ भाई उर्सीफू इवॉल्व होके बन चुका है उर्सीफू आर। ओके भाई तो अपना जो उर्सीफू है वो उर्सीफू आर, आर मतलब रैपिड स्ट्राइक, और रैपिड स्ट्राइक की बात था सिंगल स्ट्राइक, तो भाई मेरे ख्याल से ना रैपिड स्ट्राइक में आता है वाटर प्लस फाइटिंग। तो भाई लोग अब मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि अभी मेरे को पता चल गया भाई, देखो जब ना उर्सीफू है उसके दो नाम है, मतलब दोनों फॉर्म के अलग अलग नाम है, एक है रैपिड स्ट्राइक उर्सीफू, एक है सिंगल स्ट्राइक उर्सीफू। तो अगर आप लोग रैपिड स्ट्राइक उर्सीफू में इवॉल्व करोगे तो भाई आपको टावर ऑफ वाटर के अंदर जाना है, और वहाँ पे भाई आपको जो आइटम मेरे को मिला अभी वही मिलेगा। और अगर आप लोग भाई उसको अभी हम लोग को क्या भाई मैं वापस कन्फ्यूज हो गया भाई, ये एक मिनट मेरे को नाम खोल के रखने दो। ओके तो अपना उर्सीफू भाई रैपिड स्ट्राइक है, और अगर आप लोग भाई उर्सीफू को सिंगल स्ट्राइक फॉर्म में इवॉल्व करना चाहते हो तो आपको टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जाना पड़ेगा, और उसकी टाइपिंग रहेगी डार्क प्लस फाइटिंग। ओके मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर मैंने थोड़ा भी यहाँ पे गलत वलत कुछ बोला हो, मतलब देखो मैं कन्फ्यूज़ हूँ टाइपिंग में उसके, उसके नाम और टाइपिंग में मैं कन्फ्यूज़ हूँ, इसके लिए भाई अगर थोड़ा बहुत गलती हो गया हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, और कमेंट करके मेरे को सही कर देना, ठीक है। सो भाई लोग यहाँ पे देखो अपना आज का जो काम था हम लोग ने कर लिया भाई, हम लोग ने गेम को भी आगे कंटिन्यू किया, और अपने उर्सीफ मतलब कुफू को भी इवॉल्व कर दिया अपने उर्सीफू में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई आज के एपिसोड के अंदर। आप लोग को मज़ा आया कि नहीं मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और अभी फिलहाल मैं पोकेमॉन सेंटर चलता हूँ हीलिंग के लिए भाई, वरना फिर ऐसे कहीं बैटल हो गया तो वाट लग जाएगी। सो भाई लोग मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना बहुत है भाई, मतलब आज का अपना एपिसोड भी बड़ा हो गया, और जो काम हम लोग को करना था वो काम भी हम लोग ने कर लिया। सो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग का एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ सभी लोग भाई इस एपिसोड को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। और भाई लोग अभी गेम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी एपिसोड्स आएंगे गेम पे, तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके सो बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।